चुके हैं जी झुलरी रेलवे स्टेशन। अब उसके हम गोदाम में मौजूद हैं जहां कभी सामान को रखा जाता था। हाल आपके सामने है कि ये क्या हाल हो गया है दीमकों से, और मेरे ख्याल से चमगादड़ें भी होंगी रात को यहां पर। ये इसका हाल हो चुका है, कोई आने को तैयार नहीं है। झुलरी 1938। इत्तेफाक है जी कि गूगल मैप पर भी ना स्टेशन आ नहीं रहा था, हमने हर तरह से ट्राई किया। आपको दिखा देते हैं, ये दरख्त नोट कर रहे हैं भाईजान, कोई एक पत्ता नजर आ रहा है इस पर। अच्छा, बता रहे हैं हालिया दिनों में सैलाब जदगान को ठहराया था यहाँ पर, और बेचारे कह रहे हैं हम रात को सो रहे हैं तो कोई हमें घसीटता हुआ ले गया यहाँ से, और कोई वो जानवर नहीं था। आवाज़ें अलग आती हैं यहाँ, बताते हैं आपको अतराफ में चारों तरफ हड्डियों के ढांचे मिलेंगे। ये चप्पलें देख लें, पता नहीं कितने अरसे से एक्टिव नहीं है, आप देखेंगे बीच में दरख्त भी उग गए। ये देख लें, ये मिलता है शिराज भाई। हाँ यार, अरे ये पूरा फेस है भाई। ये देखें जूता, वो देखें जूता। ये ट्रैक्स थे जी कभी जो एक्टिव थे। ये रेलवे स्टेशन झुलरी हमारा 1938, तकरीबन 100 साल पुराना, 85-90 साल। ये दो ट्रैक, और एक अरसे से बंद कर दिया गया है इसको। सर नॉट इन यूज। यही लग रहा है मुझे, यही लग रहा है। आइएगा दिखाऊं आपको कुछ। ये चप्पलें देख लें आप, यहाँ क्या काम है चप्पलों का। तौबा इस्तग़फ़ार, जला हुआ है, ये भी जला हुआ है, शदीद जला हुआ है जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इधर तो रास्ता ही ख़त्म हो गया जाने का, कहाँ से जाए पीछे से। ये दिखाइएगा समझ भाई, क्या हाल हो गया स्टेशन का।
लटका ही नहीं कभी से मसीह से नहीं बना। कोशिश की है भाई अपनी, कोशिशें की है लोगों ने। यार कभी ऐसा स्टेशन देखा रेलवे स्टेशन, कभी ऐसा गोदाम हो जिसका और ये ट्रैक हो, ऐसा रेलवे स्टेशन? ये देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये लिखा हुआ था नीचे सिटिंग रूम, ये ठीक है, वेटिंग रूम, सॉरी WAITING वेटिंग रूम। क्यों लिख दिया नॉट इन यूज? नहीं देखा, अगर यूज नहीं हो कोई छापता नहीं है ये, क्यों ये वार्निंग है? यस मतलब एक चीज कंफर्म कर दी है कि इस्तेमाल में नहीं है। कभी नहीं देखी थी ना, बस इस टाइम देखी है ये, सी प्रिंटिंग देखी, कंफर्मेशन कह लें इसको कि जी ये बंद कर दी, इस्तेमाल में नहीं है। अब मुझे बताएं यार, यहाँ कौन आग लगाएगा? इधर आए उस्ताद भाई, ये देखें नीचे कोई आग का निशान नज़र आ रहा है आपको? और ये देखें ऊपर तक,
खैरियत भाई जान ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मंजू सर। मंजू भाई है। आप? आबिद अली। आबिद अली भाई। आबिद भाई मैंने सुना है कि ज़ाहिर है इतना पुराना है जी, दरख्त भी खुश्क है और सालों पुराना है, सदी हो गई तो असरात तो हो जाते हैं। तो आप लोगों ने वक्त गुजारा है यहाँ पर, गुजारते हैं, क्या महसूस होता है रात को? महसूस ये होता है कि बस बच्चों की तबीयत वगैरह, एक उठता है दूसरा गिर जाता है और डर होता है, बच्चे डरते भी हैं रात को, रेडियां करते हैं। बच्चे देखते हैं, वो बताए पता नहीं कहाँ, जो देखते हैं बच्चे हैं, बड़े नहीं देखते हैं, देखते हैं वो छोटी औरतें, वो मर्द है, वो पता नहीं क्या देखते हैं। हाँ ये इसमें हमारा दो तीन आदमी यार बीमार हो गए, उसका इलाज कराता हूँ, अभी वह इलाज कर रहा हूँ। हाँ तो क्या इलाज में क्या बीमारी सामने है? बीमारी जो जिधर जाते हैं वो आदमी बोलते हैं भाई तेरे जो जगह है उसमें जो हवा हरकत का है। जिनात का है, गैबाती शह है जो तेरे से तंग कर रही है, उसी के लिए वो बोलता है जाए खाली करो, हमारा तो प्लाट जगह भी नहीं, हम तो गरीब आदमी है। बाकी बात यह तो अंदर तो इसमें है गैबा से बात, लेकिन ये जाए वो दूसरी बड़ी खजी है ना, इसमें बोलते हैं, इसमें बोलते हैं दोनों जगह है। हाँ दोनों में इसी जगह में गैबात है। अच्छा मैंने महसूस किया, वो बोलता है चूड़ेल हैं, को बोलते हैं तो नहीं होती है, पर बोलते हैं बाकी आदमी जो पढ़े लिखे हैं उसी बोलते हैं, हमारे तो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब आप गए साहिब लोगों के पास, आमिल साहब के पास? हाँ सही। तो उन्होंने ये कहा है कि जो जगह आप रह रहे हैं वहाँ असरात हैं, उस जगह को छोड़ दें। जी हाँ। तो आप यहाँ रह रहे थे? अच्छा मैंने बताया जैसे आपको कि स्टे किया था और जो हुआ वाकयात मामला तो आपके सामने ही शायद असाइन पास खाली वेठा बाकी असन पास वेठा वेहूँ को वेहूँ था रात बेहतर बेहतर मान लगन नुकसान थे तो खास तौर पे जो होता है ना यहीं पर होता है, जो मसला भी होता है यहीं पर, जो भी आता है जो कामिल हैं जो आते हैं आमिल वो बोलते हैं कि इस जगह में जो है ये चीज़ें हैं बात वगैरह ये वो। हम भी सारा घूमे जी और हमें जो एक चीज़ ने महसूस करवाया वो यही जगह थी। जी अच्छा जो आए थे आमिल साहब जी उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि ये जगह भारी है, यहाँ पर कोई कुरान खानी कराओ ये कराओ या जगह खाली कर दो। इस कमरे में क्या हुआ है? इसमें हमने कुछ देखा नहीं है लेकिन होती हैं आवाज़ें रात को, ये शोर शराबा ये वगैरह वगैरह। कैसी आवाज़ें होती हैं? जैसे कोई दरवाजे को खटखटाता है या ऐसे लग जाए थका हो जाए मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा
मैंने सुना कुआं भी है यहाँ पर एक जी हाँ दिखाएंगे कुआं ना पीछे कुआं आए जी पुराना कुआं है उसको जरा देखें जगह वही निकली शिराज भाई समद भाई रामान भाई जगह वही निकली आए भाई सैलाब ज़दगान के मुतालिक बताया था आपको आप भी थी बता रहे हैं जो गुजरी इनके साथ बच्चों के साथ इलाज करवाया इन्होंने दो तीन जगह पर सब ने इनसे कहा कि इस जगह को छोड़ दें आप इस जगह खाली कर दें आप इस जगह पर असरात हैं दो तीन लोगों ने बताया आपको ये जी आ गया चले चल हमारे से जो पहले बैठा था ना जी आपसे जो पहले लोग आए थे वो क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि इधर भी ये जगह भी भारी है अच्छा कोई बात देख के चल एक मिनट छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं आ जाओ आगे कर लें कैमरे को और जाने दो गंदा है पानी का क्या सबसे ऊंचा दरख्त है जी हाँ और दो साल पहले हरा भरा था यार ये हम आँखों से देखा हम आया थे साया था बिल्कुल मेरे बैठने के बहुत साल दो साल कम सही था वो आस्ते आस्ते सूख गया सूख गए सूखने से दो साल के बाद आगे पन खत्म हो गया था सर नोट कर लिया ना इसके पत्ते भी झड़ गए इसकी टहनियाँ भी झड़ गई जो पन बता रहे हैं ना वो पत्तों को बोल के जी जी हाँ पहले तो इसमें पन बन सारे हैं चले खुद कब्रिस्तान भी है हाँ कब्र भी है आगे चिट्ठी भी आई है हाँ आ रही है मीरपुर खास बॉर्डर में चिट्ठी भी आई है चेहरी की आवाज़ दिन में ही आ रही है भाई मीरपुर खास बॉर्डर में क्या ख्याल है चलें अस्सलाम वालेकुम कभी सोया होता है ना तो ऐसे ही चिल्ला कर ये रोता है हम आते हैं भाग कर भाई पूछते हैं क्या था बोला मैंने कुछ देखा था या मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई थी भाई हमने हम तो देखते हैं भाई नहीं है कुछ भी नहीं आप घर से बोले हमने देखा था नहीं इन्होंने जो बात कही ना इधर वो है ये कमरा जो नॉट इन यूज है जो घर के बंदे हैं सारे लेडीज वगैरह डरती हैं अब बात ये है ये इनको एक ठिकाना मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से हालांकि ये चाहते कह सकते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन बात साफ और सच्ची है एक पुरानी जगह है पुरानी एरिया है एक अरसे से खाली रहा है वीरान रहा है निशानियाँ आपके सामने हैं उसके बावजूद ये हो रही कोशिश जारी है और जिन भाई ने भी कोशिश की है इलाज की अल्लाह करे उनके ज़रिए ठीक हो जाए उन्हीं की दुआओं से हम यहाँ पहुँचे हैं आप लोगों के तमाम देखने वालों की दुआओं से पहुँचे हैं भाई राशिद नाम बताया जी हाँ राशिद भाई सामने और आपको जगह पता चल गई
जो मेन समझ लो गढ़ जो मंबा है ना वो पता चल गया, उसी के पीछे कुआं भी है। वहाँ से आप आएंगे आपको ढांचे मिलेंगे, जानवरों के कब्र मिलेगी, खुश्क दरख्त मिलेगा। इस तरफ से आप आएंगे आपको कुआं मिलेगा और वो कमरा मिलेगा जिसके बाहर इम्बोज कर दिया गया है, स्टैंप लगा दी गई है नॉट इन यूज़। और जो वाकयात हैं आपके सामने, कोशिश करते हैं जब आए हैं इतनी दूर तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, अब अगर भले आप लोग रात को हो ना हो कोई बात नहीं, हम रात को एक चक्कर लगाएंगे और बताएंगे। राशिद भाई इजाज़त है, बड़ी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पहले ऐसे नहीं थे, पहले नहीं ठीक थे, ये इनसे नाराज़ हुए हैं जब रहे हैं, कोई बात बुरी लगी है तो इधर आए हैं, इधर आने के बाद क्या तुम पर असर आ गया, और अब वो अजीब सी गुफ्तगू करते हैं और किसी को देखते हैं और बताते हैं कि वो है मर्द है औरत है सब। उनका इलाज भी करवाया, तावीज़ात बिल्ले में आपने देखे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप ये जगह छोड़ दें, खाली कर दें, असरात हैं इस जगह पर। यार रात को पत्थर कोई मारता है या कोई अजीब अजीब जैसे लोहे का सामान है स्टेशन का, गवर्नमेंट का, वैसे का ऐसे ही है। नोट कर रहे हैं आप, वैसे मैंने पता है सुना है कि मखलूक ना बोलने नहीं देती, गवाह नहीं बनने देती किसी को अपना। बिल्कुल सही था, ठीक ठाक था।